सो गाइस आज टाइम है यहाँ पर वन प्लस 11R के कैमरे को पूरा परखने का, मतलब उसका पूरा हम टेस्ट करेंगे। आज हम करेंगे वन प्लस 11R के कैमरे से व्लॉग, फ्रंट कैमरे से और उसके बैक कैमरे से, और आपको बताएंगे कि इसका कैमरा कैसा परफॉर्म करता है अगर आप यहाँ पर प्रैक्टिकल लाइफ में व्लॉग करते हैं वन प्लस 11R के फ्रंट फेसिंग कैमरा से और बैक कैमरा से। वैसे मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर वन प्लस 11 और 11R का कैमरा सेम ही है, तो आप यहाँ पर इसको 11 के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं। बस में थोड़ा कलर एक्यूरेसी का फर्क है, बनी तो यहाँ पर जो कैमरा सेंसर है वो बिल्कुल सेम है इसमें फ्रंट एंड रियर के लिए। तो यहाँ पर जो वीडियो है दोनों के लिए होने वाली है 11R के लिए। तो इस वीडियो का आप जरूर देखना, पूरे एंड तक देखना। सारे कैमरा मैंने इसमें यूज़ करे हैं और फोटोज कैप्चर किए हैं, डे एंड नाइट भी दिखाया है इसके अंदर। और अभी हम जा रहे हैं यहाँ पर मेरठ से हरिद्वार की ट्रिप पे, तो आप यहाँ पर देखने को मिलेगा कैमरा यहाँ पर कैसा परफॉर्म करता है। तो चलते हैं वीडियो में। सो गाइज अभी जहाँ पर बैटरी है वो यहाँ पर फ़ोन की 100% है, और यहाँ पर करीब मुझे 10 मिनट इसको यहाँ पर चलाते हुए हो गए हैं कैमरा को। और अब चलते हैं हम और बात करें इसकी हम क्वालिटी की, तो मैं इसको यहाँ पर रिकॉर्ड करूँगा 4K 60 फ्रेम पर सेकंड में रियर कैमरे से, और फ्रंट में यहाँ पर मैं इसका स्टेबलाइजेशन ऑन रखूँगा जो हमारा फुल HD में चलेगा। तो अभी चलते हैं हम आगे, और अभी यहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश पड़ रही है तो थोड़ा वाटर प्रूफ भी चेक हो जाएगा इसका। सो गाइस ये इसके यहाँ पर वाइड एंगल है, और वाइड एंगल में आपको यहाँ पर सिर्फ फुल HD 30 फ्रेम पर सेकंड देखने को मिलेगा। और आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपको इसमें OIS तो नहीं मिलता, बट आपको शायद से इसमें EIS मिले। और मुझे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जाना है। इसका एरिया क्या देख लो, एरिया यहाँ पर कितना कैप्चर करता है, और हल्की हल्की यहाँ पर बूंद पड़ रही है। और देखते हैं शाम तक यहाँ पर जो फ़ोन की बैटरी है वो कितनी बचती है। सो गाइस यहाँ पर ये आ गया मेरठ जंक्शन, और अभी यहाँ पर रिकॉर्ड हो रही है फुल HD में, हाँ 60 फ्रेम पर सेकंड में। और यहाँ पर आएगी मेरी ट्रेन, इसका टाइम यहाँ पर है 7 बजे, और अभी यहाँ पर जो टाइम हो रहा है वो 6:47 हो रहा है। ठीक है अब चलते हैं आगे और देखते हैं इसका, मुझे लगता है कि फुल HD में जो OIS है वो अच्छा काम करता है। सो गाइस फाइनली यहाँ पर ट्रेन आ चुकी है हमारी, सो फाइनली गाइस हम यहाँ पर हरिद्वार पहुँच चुके हैं। हमारा जो सफ़र था यहाँ पर करीब 4 घंटे ज़्यादा का था, और हमने यहाँ पर आ चुके हैं लगभग यहाँ पर 11:30 बजे। और अब चलते हैं हम थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पर हर की पौड़ी को, और आपको दिखाते हैं यहाँ पर किस तरीके यहाँ पर आपको वीडियो क्वालिटी देखने को मिलने वाली है। सो ये ट्रेन है जिससे मैं यहाँ पर आया था, योगा एक्सप्रेस, और आप देख सकते हैं हरिद्वार यहाँ पर लिखा हुआ है। और साइड में हमारे यहाँ पर शिव जी की यहाँ पर एक स्टैचू है, मूर्ति है, वो काफ़ी अच्छी लग रही है ब्लू कलर में, और साथ में यहाँ पर वाइट कलर में भी है। तो बैटरी की बात करूँ तो 63% इसकी बैटरी बची है। मैंने वहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर इंस्टाग्राम देखा था, सोशल मीडिया मैंने यूज़ किया था, मेरे पास कोई ईयरफोन नहीं थे तो फ़ोन के स्पीकर से चला था थोड़ा बहुत मेरा जो है इंस्टाग्राम। तो करीब यहाँ पर जिसका स्क्रीन टाइम आ गया था मेरे फ़ोन का 3 घंटे करीब यहाँ पर आ गया था। और अब यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि जो बैटरी है वो अच्छी चल रही है, साथ में आप इसका कैमरा क्वालिटी चेक कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ पर इसको 4K 60 फ्रेम पर सेकंड में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और यहाँ पर हमारे शिव जी हैं जो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, और पीछे यहाँ पर हरिद्वार का गेट है जो हमारा रेलवे स्टेशन का है। हरिद्वार में एक मॉडल कॉलोनी में, मुझे यहाँ पर कुछ काम था तो उसे हम पूरा करते हैं और फिर देखते हैं कैसा रहा है। फ्रंट कैमरा इसका भाई ठीक ठाक है, ज़्यादा अच्छा यहाँ पर काम नहीं कर रहा है,
बैक कैमरा बहुत अच्छा है इसका, 4K 60 फ्रेम पर सेकंड में। सो फाइनल गाइज, हम आ चुके हैं यहाँ पर हरिद्वार में हर की पौड़ी के पास, और यहाँ पर गंगा जी यहाँ पर बह रही हैं, देखो कितनी अच्छी लग रही है। और यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा मिलता है गंगा जी का, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर अभी लग रहा है भाई, एकदम ठंड ठंडा फील आ रहा है। और यहाँ पर लोग नहा रहे हैं, और आप चेक कर सकते हैं कितना अच्छा यहाँ पर माहौल है, बहुत सुकून मिलता है भाई इधर आके। और पानी का लेवल यहाँ पर भाई काफ़ी ऊपर है, पहले काफ़ी कम था, पहले मैं आया था यहाँ पर तो कुछ इस तरह का कलर देख लो आप इसमें फ़ोन में, कैसे है एक्सपोजर कैसे मेंटेन कर रहा है यहाँ पर, और लोग यहाँ पर नहा रहे हैं कुछ इस तरह का आप देख सकते हैं। और ऊपर दिख जाएंगे आपके ऊपर मनसा देवी, थोड़ा जूम करता हूँ उसमें आपको पता लग जाएगा। अब यहाँ पर 10x जूम तक ये चला जाता है, ये 10x जूम है पूरा, और ये हमारा हो गया जूम आउट। ये कितने का भाई? कितने का? भैया कितने केदारनाथ जी, ये कितने के? 180 है। 180 का। और छोटे भी हैं सही वाले? 120 का। 120 के हैं। और ये कितने के? इंडिया 120 का। ये हमारा दूसरी साइड है, यहाँ पे एक मगरमच्छ भी यार दे बेरा, उसके ऊपर एक चिड़िया बैठी है, ये उड़ गई। तो पानी का बहाव भाई काफ़ी तेज़ है यहाँ पर। अभी चलते हैं थोड़ा पास, यहाँ पर घंटा घर के पास चलते हैं, और फिर दिखाते हैं आपको क्या क्या देखने मिलता है। कुछ फोटोज़ कैप्चर कर लेता हूँ मैं एक बार। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है अभी, और यहाँ पर काफ़ी गर्म माहौल है। अप्रॉक्स यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा 35 डिग्री सेल्सियस होगा, और वहाँ पर आप यहाँ नहा सकते हैं। मैं एक बार देखता हूँ आपको, दिखाता हूँ इसका यहाँ पर क्या क्या अभी माहौल चल रहा है। तो कुछ जैसे यहाँ पर काम करता है इसका बैक कैमरा, आई होप यहाँ पर कुछ समझ में आ गया होगा इसमें व्लॉग आप कैसे कर सकते हैं। और यहाँ पर ये बिल्कुल रियल लाइफ प्रैक्टिकल रिव्यू है जब यहाँ पर आप आते हैं तो। और इसके यहाँ पर ये इंटरनल माइक है, कोई एक्सटर्नल माइक से मैंने यूज़ नहीं किया है। सो गाइस कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है आपको यहाँ पर घंटाघर के पास, यहाँ पर लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और काफ़ी तेज़ यहाँ पर धारा बह रही है। और पानी देखो भाई कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं नहाने के लिए, काफ़ी दूर दूर से आते हैं पूरी इंडिया में। और वो रहा हमारे यहाँ पर घंटाघर। सो गाइस यहाँ पर है हर की पौड़ी, और यहाँ पर ये घंटाघर जिसकी हम बात कर रहे थे, और टाइम देखो एकदम यहाँ पर एग्जैक्ट वही हो रहा है जो हमारे यहाँ पर रियल टाइम चल रहा है इंडिया में। यहाँ पर बज गए 2:10 हो रहे हैं, और साथ में यहाँ पर ये है हर की पौड़ी जो मंदिर है यहाँ पर ब्लू कलर का, और साथ में आपको पानी में दिख जाएगा एक मंदिर यहाँ पर आधा अंदर है, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर तैर रहे हैं देखो, और साथ में यहाँ पर लोग भी नहा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। तो पूरे साल यहाँ पर लोग आते हैं और अपने यहाँ पर गंगा जी में नहाते हैं, और अपने यहाँ पर जो पापा उन्हें धोते हैं जो किए होंगे। देखिएगा आप देख सकते हैं जो उसमें बैकग्राउंड ब्लर है वो कैसे क्या हुआ, मेरे फेस को यहाँ पर कितने तरीके से ट्रैक कर रहा है, फोकस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पर भी जैसे नज़ारा है यहाँ पर हरिद्वार के, यहाँ पर आप जरूर आना भाई, एकदम आपको मज़ा आ जाएगा यहाँ पर गंगा जी में स्नान करने में। तो गाइस पास चलते हैं क्लॉक टावर के, और देखने के आसपास क्या दिखता है। ऊपर दिखेंगे आप यहाँ पर शेर है चारों तरफ, और यहाँ पर एक गोमुख बना हुआ है, और कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है राजा बिरला टावर, और काफ़ी ऊँचा है देखो। चारों तरफ आपको यहाँ पर घड़ी देखने को मिल जाएंगी इसमें, ये इसका मेन डोर है, यहाँ से एंट्री होती है इसके अंदर, राजा बिरला टावर यहाँ पर लिखा हुआ है। और नीचे यहाँ पर कैंस रखी हुई है पानी भरने के लिए, गंगा जल भरने के लिए, और फिर आप घर ले आ सकते हैं। और कितना कुछ आपको यहाँ देखने मिलता है ऊंचा, और बैकग्राउंड में सन है तो देखो आप किस तरीके से मैनेज किया हुआ है इसने, और हवा चल रही है भाई काफ़ी अच्छी। Thank you.
जय गंगे मैया, जय गंगे मैया। सो गाइस यहाँ पर रिकॉर्ड हो रही है वन प्लस LR के मेन कैमरा से, जो बैक कैमरे से मैं यहाँ पर फेस कैम कर रहा हूँ, तो आपको पता लगेगा कि कैसा फोकस कर रहा है, फेस पे कर रहा है फिर नहीं कर रहा है। साथ में इसकी ऑडियो क्वालिटी ऐसी है और इंस्टॉलेशन कैसे देखने मिलेगा, तो आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाएगा। रिकॉर्ड हो रही है वाइड एंगल में 1080p 30fps में ही मैक्सिमम, और आपको यहाँ पर EIS मिल जाता है इसका, तो कलर शिफ्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना एरिया इसने कैप्चर किया हुआ है, आपको किस तरीके की आपको शार्पनेस देखने को मिल रही है। सो इसमें वीडियो का आपको 4K में ही डालूंगा, तो अपने आप पूरा पता लग जाएगा क्वालिटी कैसी आ रही है। सो गाइस अभी रिकॉर्ड हो रही है यहाँ पर फुल HD फ्रेम और 60fps, इस सब यहाँ पर क्वालिटी चेक कर सकते हैं। 4K से तो कम ही है, पर कोई नहीं, आपको काम चल जाएगा अगर आपके यहाँ पर कम साइज में फाइल चाहिए तो। मगरमच्छ, मगरमच्छ के ऊपर भगवान जी है। ये जो है ना, आपको ब्लॉक्स दिख रहे होंगे सीमेंटेड, जो ब्रिज के यहाँ पर कह सकते हैं कि जो पिलर्स होते थे पहले, वो यहाँ आपको दिख रहे होंगे। पहले यहाँ पर जो ब्रिज था ना, वो यहाँ पर दो ब्रिज थे, और वो दोनों ही ब्रिज यहाँ पर जो आपदा आई थी उत्तराखंड में, वो उसमें आपको बह गए हैं पुल जितने भी थे। और साथ में आपको रेलवे ट्रैक भी देखने को मिल जाएगा इसके, जब भी यहाँ पर पानी कम होता है ना, तो मतलब घुटने तक यहाँ पर पानी होता था, आपको रेलवे ट्रैक भी देखने को मिलेगा। पहले जमाने में यहाँ पर रेल भी चलती, मतलब ट्रेन चलती थी। सामने आपके यहाँ पर ब्रिज दिख जाएगा, मेन ब्रिज में आपके यहाँ पर जो कार्स हैं वो चल रही हैं। थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं। सो ये भाई यहाँ पर इसका कुछ जूम टेस्ट, और ये जो रास्ता जा रहा है आपका ऋषिकेश जा रहा है इधर, और इस साइड जा रहा है आपका दिल्ली मेरठ, और वापस मैं यहाँ पर मेरठ जाऊँगा। सो गाइस ये यहाँ पर इसका कुछ कैमरा क्वालिटी टेस्ट आपके ऊपर पता लग गया होगा। सो देखो गाइस यहाँ पर एक डैम है, और यहाँ पर रिकॉर्ड हो रही है फुल HD में 60fps में, और पानी देखो यहाँ पर कितना कम है, पानी है ही नहीं। डैम के हेल्प से यहाँ पर जो पानी है वो सब यहाँ पर रोक दिया है, और आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर कितना कम पानी है, बहुत कम, मतलब पानी ख़त्म कर दिया, बिल्कुल बंद कर दिया। तो यहाँ पर आपको सूखा देखने मिलेगा उस साइड, तो और ऊपर यहाँ पर पुल है जहाँ से आप लोग जा रहे हैं यहाँ पर ऋषिकेश। सो ये यहाँ पर इसकी पूरा वीडियो क्वालिटी है, आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो गाइज करीब 6:30 बजे यहाँ पर फोन की जो बैटरी वो पूरी डेड हो गई थी, जीरो हो गया था, और यहाँ पर जो इसका स्क्रीन टाइम आया था वो निकल के आया था लगभग 6:15 का, इसमें SOT दिया था, मिलता है। अब चलते हैं घर की तरफ और करते हैं इसके यहाँ पर हम एंड। सो गाइज यहाँ पर ये है नाइट मोड वन प्लस 11R का, और पीछे यहाँ पर MacD है, और लाइटिंग कुछ ऐसी आ रही है। सो गाइज यहाँ पर ये है वन प्लस 11R का नाइट मोड, यहाँ पर काम करता है वीडियोज में, तो ऐसे यहाँ पर कुछ निकल के आता है इसका आउटपुट। अब यहाँ पर रिकॉर्ड हो रही है 4K 60fps में नाइट मोड में, तो अंदाजा लगा लो कैसी यहाँ पर क्वालिटी आ रही है। मुझे तो अच्छी लग रही है, मतलब काम चल जाएगा आपका नाइट मोड में, ज़्यादा इसमें आपको नॉइज़ देखने को नहीं मिल रही है अभी तो। सो गाइज यहाँ पर ये है वन प्लस 11R के नाइट सोर्स फोटोज़, जो मैंने यहाँ पर कैप्चर किए थे मैकडोनल्ड ज़्यादा टाइम्स, या आउटसाइड का मैकडोनल्ड का फोटो जो काफ़ी अच्छा यहाँ पर नाइट मोड ने कैप्चर किया है। फिर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा एक फूड हब है पूरा, जहाँ पर मैकडोनल्ड्स है और यहाँ पर डोमिनोज है, ये सब यहाँ पर आपको लाइटिंग कंडीशन अच्छी देखने को मिलती है। साथ में आपके ऊपर ह्यूमन फोटेज दिए जाएंगे 1x के साथ, और साथ में आपका 2x भी इसमें लिया गया है। फिर मैंने यहाँ पर कैप्चर किया था एक 2x में फोटोज इनडोर में और थोड़ा आउटडोर में, इसमें आपको नेक्स्ट मिल जाएगा इसमें पोर्ट्रेट मोड के साथ। और यहाँ पर आप दोनों फोटो देख सकते हैं कि इसमें जो लेफ्ट वाला फोटो है वो यहाँ पर विदाउट नाइट मोड है, और जो राइट वाला फोटो है वो नाइट मोड के साथ है। थोड़ा बहुत ज़्यादा अंतर है, ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता। और यहाँ पर कुछ डीलाइट के फोटोज़ भी हैं, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। अभी यहाँ पर आपके सामने जो फोटो आ रही है वो यहाँ पर अल्ट्रा वाइड से आ रही है, आप चेक कर सकते हैं कैसी यहाँ पर क्वालिटी है। फिर जो इसका नेक्स्ट कैमरा है वो इसका पोर्ट्रेट मोड, और पोर्ट्रेट मोड यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से लेता है, तो आपके यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब पोर्ट्रेट में आपको 2x तो नहीं मिलता, पर मेन कैमरे से आप यहाँ पर पोर्ट्रेट को कैप्चर कर सकते हैं। फिर आता है इसका मेन कैमरा भी आपको अच्छा वर्क करता है, और साथ में 2x है, इसमें आप 2x भी चेक कर सकते हैं। सो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो इस वीडियो को यहाँ पर लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना सबके पास। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।